तो हिंदी भागवतम 119। अतएव दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन सामान्य के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। पुंसाम एकांततः श्रेय, जन सामान्य का एकांतिक कल्याण क्या है, जिससे जन सामान्य सब जनता सुखी संतुष्ट आनंदित हो जाए। ये आपने क्या निश्चय किया, आपने आपके गुरु के सौम्य शिष्य हो, स्निग्ध शिष्य हो, इसीलिए आपके गुरुओं ने आपको सब शास्त्रों का ज्ञान दिया है। लेकिन हमें सब शास्त्रों का ना हमारे पास समय है, ना बुद्धि है, ना भाग्य है, हमें आप एक दो वाक्य में बता दो कि हम सबका कल्याण कैसे हो। ऋषि मुनि श्रील सुत गोस्वामी को ये सवाल कर रहे हैं कि जन सामान्य का कल्याण कैसे हो। तो आप स्निग्ध शिष्य, आप बहुत सरल स्वभाव वाले और आज्ञांकित शिष्य हो, इसलिए आपके गुरुओं ने आपको सब शास्त्रों का सब ज्ञान आप में संचारित किया है। तो हमें ये सब ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, हमें दो सेंटेंस की ज़रूरत है कि आपने क्या निश्चय किया जन सामान्य के कल्याण के लिए, क्या निश्चय किया। तो इनका जवाब दूसरे अध्याय में है। सवै पुंसो वंडरफुल, चार लोग, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये श्रीमद्भागवत क्या है, तो ये पहला प्रश्न का उत्तर है। और उत्तर क्या है कि सवै पुंसो परो धर्मो, जन सामान्य का परम धर्म क्या है। तो परम धर्म ड्यूटी फर्ज, जन सामान्य की का धर्म क्या है। सवै पुंसो परो धर्मो क्या है धर्म, यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज श्री कृष्ण की भक्ति करना ही जन सामान्य का कल्याण आनंद तृप्ति संतुष्टि सुख है। तो ये कैसी भक्ति होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, कोई भी प्रकार के हेतु के बिना, कोई भी प्रकार के हेतु के बिना भक्ति होनी चाहिए। मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे हेल्थ पैसा स्त्री पुरुष दो, दो 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 नहीं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अहेतु की अप्रतिहता का अर्थ है तेल धारावत, तेल की धारा होती है कंटिन्यूस सतत प्रवाह,
होता है, वैसा सतत भक्ति रूपी प्रवाह हमारी ओर से कृष्ण की ओर बेहतर है और वो अहितुकी होना चाहिए कोई भी प्रकार की अपेक्षा के बिना। जैसे अपेक्षा की अब बन गए, कुछ भी अपेक्षा, किसी से भी अपेक्षा, बॉस से अपेक्षा की बन गए, 8 बजे आओ 8 बजे जाओ, ए डेडलाइन वो डेडलाइन, किसी से भी कभी भी अपेक्षा की आप चक्कर में आ गए, आपका चक्कर कभी मिटेगा नहीं। इसलिए अहितुकी भक्ति एंड अप्रतिहता, अप्रतिहता का अर्थ है अराउंड द क्लॉक 24 घंटा हमारी हर क्रिया श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, नौकरी उनकी प्रसन्नता के लिए हो, बच्चे स्त्री पुरुष उनकी प्रसन्नता के लिए हो। तो ऐसी भक्ति अहितु की अप्रतिहता ये भक्ति ही एन आत्मा संप्रसिद्धति, इससे आत्मा संपूर्णतया संतुष्ट तृप्त, उसके ऊपर कोई तृप्ति ना हो, तृप्त हो जाए, जैसे प्रभुपाद जी तृप्त, रूप गोस्वामी प्रभुपाद तृप्त, रघुनाथ दास गोस्वामी तृप्त, हम सब तृप्त। अरे इतने तो तृप्त हैं, बाहर वाले चक्कर काट रहे हैं, है ना, हम समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम हम तृप्ति संतुष्टि इन आत्मा संप्रसिद्धति तो समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, इसलिए हम तृप्त हैं, हम सुखी हैं, शांत हैं। अशांतस्य कुतो सुखम, अशांत को सुख नहीं हो सकता, हम शांत हैं, हमें चिंता खींचे पे टांग दिए, है ना, हमें चिंता नहीं होती, रोटी कपड़ा मकान की भी चिंता नहीं, है ना, रोटी कपड़ा मकान की चिंता करने लगेंगे फिर अशांत, हाथी को मर्ण कीड़ी को कर्ण चीटी को कर्ण कृष्ण देते हैं तो भक्तों को नहीं देंगे। तो ये ना आत्मा संप्रसिद्धति, अहितु की अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए, तो हमें संपूर्णतया संतुष्ट तृप्त सुखी शांति आनंद। संत को सदा दिवाली आठे पहर आनंद, है ना, हमें सदा उत्सव दिवाली दीपाली और आठे पहर आनंद, संत को सदा दिवाली आठे पहर प्रहर आनंद। अगर आपको 8 प्रहर आनंद नहीं रहता है तो आपकी भक्ति कच्ची है, है ना। शुद्ध भक्ति का 6 लक्षण है, उसमें सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणी च, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकर्षित करती है, हमें सांद्र सॉलिड आनंद देती है, मोक्ष लघुता कृतम मोक्ष को लघु कर देती है भक्ति, शुभदा हमें शुभ हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस शुद्ध पैदा करती है, शुभ ऑस्पिशियसनेस क्लेशग्नि है,
क्लेशग्नि दुख काटने वाली है भक्ति। तो अगर ये नहीं होती छह चीज़ें हमारे जीवन में, तो हमारी भक्ति कैसी है? कच्ची है। कैसी है? तो यहाँ किसकी पक्की है? सबकी पक्की है। कुछ कुछ मात्रा में तो पक्की है, आधी कच्ची आधी पक्की है। हाँ, आधी कच्ची आधी पक्की है। आधी तो हुई तो आधी हो जाएगी, क्योंकि सारा शहर में इतने गिने गिने है ना, 200 लोग, तो हम तो भाग्यशाली है ही। अगर भाग्यशाली नहीं है तो भाग्य बन जाएगा, गारंटी, ये गारंटी है। इन आत्मा संप्रसिद्ध थी, हमारा हो जाएगा, सबका हो ना हो लेकिन हमारा हो जाएगा। तो कथा को विराम देता हूँ, और बहुत सारा समय क्वेश्चन आंसर, प्रभु जी कहते हैं क्वेश्चन आंसर करेंगे। यस, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी के पहले बहुत जोर से और पूरे पूरे दिल के साथ प्रभु जी का धन्यवाद देंगे कि प्रभु जी ने अपना सानिध्य हमको प्राप्त करने का अवसर दिया है, अपना संग हमको देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बहुत आभारी है प्रभु जी के। सो जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एनी क्वेश्चन? यस प्रभु जी। प्रभु जी चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राम विजय प्रभु, श्री महामन प्रभु से निश्चित हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि भक्ति हम करने की कोशिश तो करते हैं, पर भक्ति बाधा बताती है, सर उपाय क्या है? देखो, बाधाएं सब एंडेवर, सब कार्यों में बाधाएं आती ही रहती है, लेकिन एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन, है ना? जस्ट फिक्स रहो और बाधाएं भाग जाएगी, बिल्कुल भाग जाएगी बाधाएं। भौतिक जगत में बाधाएं आती ही रहेगी जो भी करो, लेकिन जितनी हो सके इतनी उनको मिनिमाइज, कम करो बाधाएं को। आप कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीते हो तो सिंपल लाइफ जियो, बाधाएं बहुत कम हो जाएगी, है ना? वैसे ही पैसा बहुत इकट्ठा करने का की उम्मीद है तो उनको थोड़ी कम कर दो। 100% लोगों को नौकरी चले जाएगी उनका लटकती तरवाल, है ना, तरवाल ऊपर। नौकरी चली जाएगी तो अच्छा हुआ, दूसरी से अच्छी नौकरी मिलेगी, और अंत में अगर नौकरी ना भी मिले तो मेरी जैसी लाइफ, है ना, करना फकीरी और दिलगिरी, आनंद प्रमोद, आप कमाओ हम खाएं, है ना? कितना अच्छा जीवन है मेरा, नहीं? बाधाएं आती रहेगी लेकिन हर बाधा का सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन इजी होता है, कर सकते हैं। और कोई भी, देखो, रोटी कपड़ा मकान अभी हिंदुस्तान में, भारत में किसी को कोई तकलीफ नहीं। कुत्ता भी रोटी नहीं खाता बाहर गलियों में, है ना? पहले तो तकलीफ थी कुत्ते को, लेकिन अभी तो कोई तकलीफ नहीं है। रोटी कपड़ा मकान, बाकी का भगवत भक्ति, है ना? भगवत भक्ति करते हैं तो भक्ति सुभदा, है ना, क्लेशग्नि मोक्ष लघुता कृतम कृष्णाकर्षिणी च सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षिणी च सुभदा। तो ये शुद्ध भक्ति, अब देखो हमारे गोस्वामी गण, बड़े पोस्ट, बड़े पैसा,
त्यक्त्वा अतूर्णमशेष मंडलपति शनि सदा तुच्छवत् सदा तुच्छवत्। ये कला है हर संयोग हर परिस्थिति में कैसे आनंदित रहना चाहिए, ये कला है, सीखनी पड़ेगी, कला है। मुझे हजार विटमना हजार दुख है मुझे हैं, लेकिन आनंद आनंदमय अभ्यासात आनंद ही आनंद है ना। कई दुख है मेरे 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 दुखों की गिनती अंत नहीं है। सो एवरी प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि प्रणाम। प्रभु जी आपने कहा जो भी कार्य करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, जॉब करें तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। जॉब ऐसे कैसे करेगी, मतलब जॉब करने से कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, ये समझ में नहीं। भक्ति की जॉब करो, एज लॉन्ग एज आपकी जॉब बहुत सिंफुल नहीं है। सिंफुल का अर्थ है इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये चार चीज़ों की जॉब नहीं है। तो इन जॉब करने पर जितना आप कमा सके इतना कमाओ, और हो सके तो प्रभुपाद जी को 10% 5% 20% जो परसेंट, कुछ प्रभुपाद जी को 50%, तो उसे आनंद मिलेगा। ये भागा छह ऐश्वर्य हैं, उसमें एक ऐश्वर्य है त्याग, है ना। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान एवं वैराग्य। सो वैराग्य त्याग तो ऐश्वर्य है, आनंद होता है, त्याग करने पर आनंद होता है। कंजूस को पैसा इकट्ठा बांध के रखने में जितना आनंद होता है, उनसे करोड़ों गुना आनंद श्री कृष्ण को प्रभुपाद को दान करने में होता है। तो कहने का मतलब है कि हम नौकरी धंधा हमारा सिंफुल ना हो, पापमय ना हो, और बाकी का हम वो नौकरी करें जिसमें हमें भक्ति करने का टाइम मिले, है ना। ओवर टाइम अने नौकरी चली जाए तो मैंने हमेशा देखा है कि उनको अच्छी नौकरी मिलती है। लोगों को लटकती तरवाल सर पर, इन्हें लोग नौकरी चली जाए उनसे डरते हैं। लेकिन मोर यू हॉप अराउंड द जॉब्स द हायर वेजेस यू कैन गेट, एंड देन यू कैन गेट लिटिल स्टेबलाइज इन वन जॉब, देन जस्ट डू रेस्ट ऑफ द लाइफ एंड मेंटेन योर ब्यूटीफुल फैमिली, कृष्ण कॉन्शियस फैमिली, है ना। एनी अदर क्वेश्चन? यस बोलिए, चिल्लाने लगो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हम्बल क्वेश्चन से। माय क्वेश्चन इज दैट हाउ टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे अभी कभी कभी होता है कि कुछ हमारे साथ अच्छा हो गया तो हम विचलित हो जाते हैं, कुछ बुरा हो गया तो भी विचलित हो जाते हैं, तो इन दोनों स्थितियों से कैसे बचा जाए कि मैं दोनों स्थितियों में स्थिर रहूँ, ये मेरा प्रश्न है। जस्ट थिंक दैट वी आर नॉट द डूअर, अल्टीमेट कंट्रोलर इज कृष्ण, थिंक लाइक दैट, अल्टीमेट कंट्रोलर इज कृष्ण। छोटे मोटे कंट्रोलर कहीं होंगे लेकिन सबकी दोरी कृष्ण के हाथ। तो श्री कृष्ण को देना होगा तो चप्पड़ फाड़ के देगा, नहीं देना है तो उनकी भक्ति में हम रत रहें, है ना। मीरा करना फकीरी और दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, कोई दिन गादी कोई दिन तकिया,
कोई दिन भोई पे सोना जी, है ना, हर हालत में मगन रहना, फकीरी करना मीन्स भक्ति करना, करना फकीरी और दिलगिरी दिलगल दुखी रहना ये नहीं होना चाहिए, करना फकीरी और दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा आनंदित रहना, कोई दिन गादी मिले, कोई दिन तकिया मिले, कोई दिन भोई पे सोना पड़े, हर हालत में इक्विलिब्रियम, सुखी, तो ऐसे तो हम भक्त बने, हम भक्त कैसे बने? आपके हाथ में मेरी दोरी है और अच्छे हाथ में दोरी है हमारी, है ना, कृष्णा उनके भक्तों को आनंद करना चाहते, देखना चाहते, आनंदित सुखी देखना चाहते हैं, हमारे कृष्ण भगवान उनके भक्तों को दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन हमारे कर्म, हमारे धर्म, हमारी चेतना सब कुछ प्रदूषित हो तो क्या करें, इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन पे चलना चाहिए, समर्पित कृष्ण को, गुरु को समर्पित, समर्पण, बाद में देखते हैं, देख लेंगे वो, तो ऐसा हमें चेतना रखनी पड़ेगी कि अल्टीमेट डूअर इज कृष्णा, आपकी इच्छा, और कोई सो, यस मैया, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आई हैव अ क्वेश्चन कि इन द स्टेज ऑफ कलियुगा आई समटाइम्स सेल्फ डाउट कि इज इट पॉसिबल फॉर मी टू अचीव अ स्टेज ऑफ शुद्ध सतोगुण, इज इट रियली पॉसिबल? 110% प्रेम अंधा है, प्रेम अंधा है, प्रेम के कई लक्षण हैं, प्रेम वाले से हम ममता, इंटेंस ममता, मेरा मेरा, ये बच्चा मेरा है, ये कृष्ण मेरा है, मेरा गुरु है, मेरा मंदिर है, मेरा मेरा, ममता होनी चाहिए, इंद्रियों की तन्मयता प्रेमी में, घर में अगर किसी को प्रेम बहुत है तो घर में तन्मय रहता है, वो तन्मय रहता है, ये टूट गया, ये फूट गया, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनको घर में सारी तन्मयता, बच्चों में तन्मयता, तो ये प्रेम के लक्षण हैं। तत्सुखे सुखी सुखी त्वम इति प्रीति लक्षणम, उनके सुख में सुख हमारा, उनके दुख में हमारा दुख, ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम को हम वर्णन नहीं कर सकते, प्रेम है, लेकिन सुख आई मीन मुकवत, प्रेम मुकवत, मुक जो मूंगा है उनको आप कहो कि गुलाब जामुन का आस्वाद कैसा है, तो वो मुख वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा ही प्रेम है, तो प्रेम बराबरी में होता है ना, प्रेम कोई राजा हो, कोई रंक हो, लड़की अथवा स्त्री रंक है, गरीब या वॉट एवर, और राजा महाराजा, तो इन दोनों के बीच में प्रेम संभव नहीं है, लेकिन बराबरी में संभव है ना, प्रेम बराबरी, इंटेंसिटी ऑफ प्रेम बराबरी में होता है, और इंद्रियों की तन्मयता
तद्रूपता, तो ये प्रेम के सारे लक्षण है। इसे तो ये हमें जागृत करना चाहिए, लक्षण तो प्रेम संभव है, बाकी लस्ट काम। तो आपका सवाल क्या था? I said, how would you define detachment? Detachment. Detachment is, ये डिटैचमेंट प्रेम की पहले की सीढ़ी है, शुरुआत की सीढ़ी है डिटैचमेंट। द मोर यू आर डिटैच फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड दैट मच यू आर अटैच टू कृष्णा। द मोर यू डिटैच, जितना ये भौतिक संसार में अनासक्त उतना कृष्ण में आसक्त, ये मापदंड है। Any other question? Yes. हरे कृष्ण मनोजी नेटवर्क के नाम। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं पर मैं दो क्वेश्चन पूछूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस जन्म में शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते तो फिर क्या होगा? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारी जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों इच्छाएं होती हैं, हम लोग कर तो रहे हैं भक्ति लेकिन भौतिक इच्छा भी होती है, आध्यात्मिक भी होती है, तो कृष्ण हमारी कौन सी चीज पूरी करते हैं? Okay, the first question is bhakti. शुद्ध भक्ति अगर हम इस जन्म में नहीं प्राप्त करते तो फिर आगे लगे क्या होगा? तो शुद्ध भक्ति 99% तो हो जाएगी। अगर आप इच्छा नहीं रखते हो तो 1% नहीं होगी। बाकी कृष्णा सहायक है शुद्ध भक्ति में, गुरु सहायक है, वैष्णव सहायक है, शास्त्र सहायक है, होली नेम भगवत नाम सहायक है, इतने सारे सहायक, और हमारी नैया पार ना लगे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्राइस टू पे, हमारी प्राइस क्या है, हमें कीमत क्या चुकानी होगी कि हमें वैष्णव अपराध किए बिना भक्ति में लगा रहना पड़ेगा। एक वैष्णव अपराध ही एक चीज है जो हमें भक्ति से गिरा देता है, बाकी कृष्णा माफ कर देते हैं, होली नेम माफ कर, सब माफ कर देते हैं। वैष्णव वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु, वैष्णव कृपा सिंधु, सब हमारे पर कृपा करने तैयार हैं, है ना? तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लगे रहना है, पड़े रहना है, जुड़े रहना है। फायर में से बाहर निकल जाओगे चिंगारी तो बुझ जाएगी, लेकिन चिंगारी अंदर फायर में लगे रहे तो सलामत है ना, सलामत। तो बाहर नहीं निकलना है, अंदर पड़े रहना है, बस पड़े रहो इस्कॉन में, प्रभुपाद की गोदी में पड़े रहो, हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा। प्रभुपाद की धोती पकड़ के रखो, है ना? जैसे कोई चींटी है चार धाम की यात्रा करने निकली हो तो चलती चलती कब वो चार धाम रामेश्वर से, बद्रीनाथ से, द्वारिका से, जगन्नाथपुरी, कड़ा काम है चींटी के लिए। लेकिन कोई प्रभुपाद जैसे संत महात्मा चारों धाम यात्रा करने निकले हो उसकी जोरी में बैठ जाए, हाँ जोरी में बैठ रहे ना, खान पान मिल जाएगा, चलना नहीं, कुछ करना नहीं, पर पकड़ना पड़ेगा, अंदर बैठे रहना पड़ेगा, प्रभुपाद को हमें पकड़ के रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा, है ना? बैंड वैगन जा रहा है उसमें बैठे रहो, गाड़ी जा रही है उसमें बैठे रहो तो पहुंच जाओगे। लेकिन जैसे डीप लाइन जहाज से नीचे उतरे, गाड़ी से नीचे उतर गए, गाड़ी चल दी, यस बैठे रहो, पकड़ के रहो, जोरी में बैठे रहो,
प्रभुपाद की जोड़ी में बैठे रहो, हो जाएगा, यही आशा है हमारी, है ना। एकाकी हमार नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया, कृपा बिंदु दिया, श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने, कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा दित्य पार, तुम्हारा सकती अचे, हमी तो कंगाल, चीटी हैं हम कंगाल, इसलिए जोरी में बैठ जाओ, है ना, यात्रा हो जाएगी। तो हमारी कुछ भी कमियां हो, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, अगर प्रभुपाद को पकड़ के रखें, गुरु को पकड़ के रखें, वैष्णवों को पकड़ के रखें। और दूसरा सवाल क्या था? हमारी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं होती है, भक्ति में हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी भौतिक इच्छाएं भी होती है, आध्यात्मिक भी होती है, तो कृष्ण हमारी कौन सी इच्छा पूरी करते हैं? पहले पूरी करते हैं, ये कृष्ण पर निर्भरित नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भरित है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा है तो माँ बाप उनकी स्वतंत्रता छीन नहीं सकते, है ना। आप 10 रुपया बच्चे को दो, ले बेटा कुछ समोसा या कुछ खा लेना, स्कूल में सारा दिन भूखा रहेगा, लेकिन उनकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, कुछ गंदा मीट फिर से खाएं, कुछ भी कर सकता है, तो माँ बाप उनकी स्वतंत्रता छीन नहीं सकते, चोरी छुपी से कुछ भी कर लेगा, है ना। इसी तरह हम जीवात्मा स्वतंत्र हैं और कृष्ण भी स्वतंत्र है, और हमारी स्वतंत्रता कोई भी इंक्लूडिंग कृष्ण, कृष्ण भी छीन नहीं सकते कि हमें भौतिक इच्छा मार मारेगी, आध्यात्मिक इच्छा सुख आनंद देगी। तो भौतिक इच्छा को आप आध्यात्मिक बना दो, हरि संबंधी वस्तु ना, जो भी चीज़ भगवान के संबंध में कर दी वो आध्यात्मिक दिव्य है। तो भौतिक इच्छा को श्री कृष्ण के संबंध में कर दो, जैसे बालक पैदा करना है तो मैं भक्त बालक पैदा करूँगी, तो कृष्ण से जोड़ दिया, सब कुछ जोड़ो तोड़ो मत, इसको हम जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। हरे कृष्ण, इसको हम क्या करती हैं, जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। नौकरी करते रहो, बच्चे करते रहो, जो भी करना है कर, लेकिन जोड़ो कृष्ण से, जो भी करते हो करते रहो लेकिन कृष्ण से जोड़ो। तो कौन सी इच्छा पूर्ण करेंगे, सब इच्छा पूर्ण करें, भौतिक एंड आध्यात्मिक, लेकिन भौतिक इच्छा जोड़ दो उनसे तो अच्छा है। और कोई सवाल? या माता जी कह रही हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं यू शुड डिज़ायर टू डिज़ायर राइट। तो हमारी इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं के लिए हमें इच्छा करनी चाहिए, सो डिज़ायर राइट। यस, हरे कृष्ण गुरु जी, किसी से अगर कोई अपराध हो गया हो, जब उसकी मतलब उसे लिखा भी उसका बोध हो कि उससे कोई जगह अपराध हो चुका है, तो उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है, जगह मिल सकती है उसको? किसी से का अर्थ है वैष्णव से के कर्मियों से, व्यक्ति से, ठीक है, किसी से भी हो, तो तीन चीज़ें हमारे रूप गोस्वामी पाद, तीन चीज़ें से ये इनसे मुक्ति हो सकती है। वो कहते हैं कि उनको प्रसाद खिलाओ, घर बुलाओ, समचियस 56 भोग का प्रसाद बनाओ और खिलाओ। अगर वो नहीं करना है तो उनको पहले तो उनको
साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, दूसरा उनको उनसे माफ़ी मांगो, आई एम सॉरी मेरी ये गलती हो गई है, और तीसरा प्रसाद। ये तीन चीज़ों से अगर ना बने तो फिर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, कृष्ण से करो, उनसे करो, सबसे करो, करते रहो, हो जाएगा। तो ये अपराध, अपराध छह प्रकार के हैं वैष्णव अपराध। कौन से छह प्रकार का है बोलिए? हंती, निंदती, वैद्वेष्टी, वैष्णवा ना अभिनंदती, क्रंदती उपजायते ना हर्षम, दर्शने पतनानि सत। ये छह चीज़ों से वैष्णव अपराध होते हैं, अन्यों का अपराध होता है। हंती, उनको पिटाई करना, हंती वैष्णव को पिटाई करनी, निंदती उनकी निंदा चुगली करना, दो, हंती निंदती वैद्वेष्टी उनका द्वेष करना, चुगली करना, उनकी उनका अपराध है, क्रंदती क्रोध करना उनके ऊपर, जायते ना अभिनंदती वैष्णव को देख के हमें उनका अभिनंदन करना, हरे कृष्ण प्रभु, जय राधे प्रभु, हरि बोल, जय राम जी की, पहले ज़माने में तो हम कैसे कहते, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, तो अभिनंदन करना चाहिए। हंती निंदती वैद्वेष्टी वैष्णवा ना अभिनंदती क्रंदती, क्रोध करना उनके ऊपर, क्रंदती उपजायते ना हर्षम, दर्शने उनका दर्शन होने पर हमें हर्ष ना होना, वैष्णव अपराध है। तो छह वैष्णव अपराधों से हमें बचना चाहिए, और अगर हो जाए तो उनको प्रसाद, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम, और उनको माफ़ी मांगना। तो जो फर्स्ट क्लास वैष्णव है तुरंत माफ़ कर देंगे, सेकंड क्लास है थोड़ी देर लगाएंगे, और थर्ड क्लास है वैष्णव प्रसाद खा जाएगा लेकिन माफ़ नहीं करेगा। एनी अदर क्वेश्चन? यस। आपने बताया कि हमें कृष्ण पे शरण लेना चाहिए और हमें इच्छा कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बंद जाते, तो इसे निवृत्ति मार्ग ये जो है, तो ऐसा प्रश्न आता है कि हमारी इच्छाओं को आर्टिफिशियली, क्या हम ऐसा तो नहीं कि हम आर्टिफिशियली रिनाउंस कर रहे हैं, या इच्छाओं का क्या होगा अगर हम जैसे कृष्ण पे शरण लेंगे, तो एक प्रश्न आता है। आर्टिफिशियली भी इच्छाओं को रिनाउंस करो तो वो भी अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इमिटेशन ऑफ ए गुड थिंग इज गुड बिकॉज द थिंग इज गुड। सो इफ यू डिजायर टू हैव अ गुड थिंग देन इट्स गुड। चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। जी इच्छा करते रहो, करते रहो, करते रहो, बी एट इट, लगे रहो, लगे रहो, हो जाएगा। एंड देन यू कैन आस्क फॉर हेल्प ऑल्सो फ्रॉम कृष्ण, फ्रॉम गुरु, फ्रॉम वैष्णव, यू कैन आस्क फॉर हेल्प ऑल्सो। एनी अदर क्वेश्चन? यस। क्या कह रहे? हाउ कैन ही कंक्लूड दैट ही इज गोइंग इन भक्ति इवन दो ही डज व्हाट? रीडिंग, हियरिंग, राइट।
Yes. If a devotee is doing consistently Shravan Kirtan and Swadhyay, then how can he assess whether he is growing in bhakti or not? How can he understand? He is doing bhakti or not? He is growing. Growing in bhakti mapdand is adho sraddha, tatha sadhu sangha, tatha bhajana kriya, tatha anartha nivrutti syat, nishtha, ruchis tatha asakti, tatha bhava abhyudanchanti. Sadhakanam ayam premna pradur bhave bhavet krama. तो एक क्रम है श्रद्धा, पहले श्रद्धा, आदो श्रद्धा, देन साधु संग करने लगता है, देन साधु संग, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, हरे कृष्ण संग सब पढ़ना शास्त्र भजन क्रिया, तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्, सब अनर्थ चले जाते, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन और बीड़ी पीना, चाय पीना, ये करना, नॉनसेंस, सब चला जाता है। तो आदो श्रद्धा तथा साधु भजन के अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा, सॉलिडिफाइड फेथ, श्रद्धा, तो ऐसी सीढ़ी है तो प्रेम तक। तो आपको अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करनी चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। तो एक कॉन्स्टेंट सेल्फ एग्जामिनेशन। वैसे गुरु वैष्णव प्रभुपाद कहें वो तुरंत कर देना, तो ये रैपिड प्रोग्रेस, तुरंत, नो क्वेश्चन आस्क, तुरंत कर देना तो जल्दी जल्दी प्रगति होगी। एंड इज देयर एनी वे बाय व्हिच वी कैन ग्रो फास्टली, जल्दी ग्रो कर सके? मैंने कहा ना अभी कि कैसे फास्ट, no, don't question, just do it. Just do it. Your guru, your mentor, your Vaishnavas, Prabhupada, हमने प्रभुपाद ने लेक्चर में सुना, तुरंत out, no question ask. So that is rapid progress in spiritual life. Okay, Babaji, thank you. Yes. Hare Krishna, Hare Krishna. मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम भोग लगाते हैं तो हमारा कभी भाव रहता है भगवान को भोग लगाने, कभी हमारा भाव नहीं रहता तो भी हम भोग लगाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे वैष्णव सेवा कैसे करें, जैसे हमने सुनते हैं कि वैष्णव की सेवा करने से भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा भाव नहीं रहता भक्तों की सेवा करना है, या हम बुला लेते हैं भौतिक दुनिया में कि यहाँ पे आ रहे हैं तो सन टाइम हम रिमेम्बर करते हैं लेकिन फिर बुला लेते हैं बाहर जैसे जाते हैं, या यहाँ भक्त लोग आए हैं लेकिन हम लोग समझते नहीं कि कैसे आए, तो भाव कैसे लाएँ वैष्णव सेवा करने के लिए और भोग लगाने के लिए? भाव कैसे लाएँ, कैसे लाएँ? तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि अनुकूलन संकल्प नहीं प्रतिकूलन वर्जनम रक्षति तो विश्वास गोप्रतिवर्ण आत्मनिक्षेप काल्पनिक सदविचार, ये तो शरणागति है। जस्ट अ मिनट, क्षांतिर, यस, क्षांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले इति आदयो भावांकुरे जने। जिनको भाव पैदा करना है तो इनको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या चीज़ें? शांति, मोस्ट टॉलरेंट बनना पड़ेगा, इनटॉलरेंट असहिष्णु बनने की परिस्थिति भी पैदा हो फिर भी हमें सहिष्णु बनना है, उनको बोलते हैं शांति। जैसे किसी ने गाली दी या किसी ने आपको मारा पीटा
तो स्वाभाविक तौर से हम भी रिएक्ट करेंगे कुछ, लेकिन रिएक्ट नहीं करना। तो उनको बोलते हैं शांति, अव्यर्थ कालत्वम, श्री कृष्ण की भक्ति के बिना एक पल भी मेरी फिजूल चली न जाए ध्यान में रखना, अर्थात भक्ति में लगे रहना। शांति अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट। हम प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा ट्रेन किया कि हर पल हमें कृष्ण की सेवा में रत रहना है, ऐसी ट्रेनिंग। हम प्रेशराइज रहते हैं सेवा के लिए, सेवा के लिए प्रेशर रहता है, ए सेवा के बाद ए, इसके बाद ए ए ए, 24 घंटा यू आर विथ सेवा। तो ये अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति, मान शून्यता, नहीं नहीं हाँ, अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति, संसार से विरक्त, मान शून्यता, अपने लिए कोई भी प्रकार के मान की अपेक्षा नहीं, नो मान की अपेक्षा, मान शून्यता, आशाबद्ध, एक दिन मुझे श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा, आशा बद्ध, सबरी, बूढ़ी हो गई फिर भी गुरु ने मतंग उनके गुरु मतंग ऋषि, एक दिन तुझे तेरे राम मिलेंगे, तो आशा बद्ध। तो 30,000 साल तक आशा, बूढ़ी हो गई, आशा बद्ध, समुत्कंठा, उत्कंठा, कैसे मिलूं श्री कृष्ण, कैसे भक्तों की सेवा कब करूं, कहाँ करूं, क्या करूं, ऐसी उत्कंठा, आशाबद्ध, समुत्कंठा, विरक्ति, मान शून्यता, नाम गाने सदा रुचि, हमेशा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम हरे राम, हमेशा मुख पर, होठ पर, जीभ पर श्री कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण मंत्र, नाम गाने सदा रुचि, प्रीति तद वसती स्थले, श्री कृष्ण वृंदावन धाम व्रज में रहते हैं तो वहाँ रहने में हमें प्रीति हो, एक दिन दो दिन जितने भी दिन, प्रीति तद वसती स्थले, और गुणाख्याने आसक्ति, उनकी कथा वार्ता कीर्तन गुण में हमें आसक्ति हो। तो ये भावांकुरे जने, भाव हमारे अंदर कैसे पैदा हो, उनके स्टेप्स हैं, उनके साधन हैं, भावांकुरे जने, जात भक्त के ये गुण हैं। और कोई सवाल? यस, हरे कृष्ण, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि कृष्ण की सेवा के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो सही है? कृष्ण की सेवा करने में झूठ बोला जाए तो बिल्कुल सही है। कृष्ण की सेवा करने में झूठ बोला जाए तो बिल्कुल सही है, हमें सेवा करनी चाहिए, और उसमें झूठ बोले तो अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इमिटेशन ऑफ गुड थिंग इज गुड, और इक्वल टू दिस इज श्री कृष्ण की सेवा, ये दिव्य है, और दिव्य कुछ भी चीज़ दिव्य करने में झूठ बोलनी पड़े तो वो भी दिव्य हो जाती है, क्योंकि दिव्य से कनेक्शन है झूठ का, तो वो झूठ अच्छी है, उनका कनेक्शन दिव्य है तो वो भी दिव्य बन जाएगी। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस यस यस, तो जी मेरा प्रश्न है कि कई बार हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, किंतु फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो ना चाहते हुए भी कर नहीं पाते हैं, मतलब दृढ़ नहीं रह सकते। फिर से हमें कई बार पता होता है क्या सही है क्या गलत है, हमें पता होता है क्या क्या सही है क्या गलत है, अच्छा, किंतु फिर भी गलत की तरह कई बार परिस्थिति के अनुसार चला,
जाना पड़ जाता है, तो ऐसे पशुपुन डर कैसे रहे? तो क्या करें, किसी परिस्थिति के कारण गलत दिशा में जाना पड़ता है, तो उसमें दृढ़ता कैसे बनी, दृढ़ता कैसे बनी रहे? तो साधुओं का बल, गुरु का बल, प्रभुपाद का बल, कृष्ण का बल, एकाकी हमारा नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तन है, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम जने कृष्ण से तुम कृष्ण दित्य पार, तुम्हारा सकती अच्छे अमित तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली ताए ताए तब पाच। तो बल लेना चाहिए, वैष्णव का बल, बुद्धि का बल, आत्मा आत्मा आध्यात्मिक बल, आत्मा का बल क्या कह रहे थे, एनीवे हमें बलवान बनना चाहिए, हमें स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, उत्साह निश्चया धैर्यात डिटर्मिनेशन, मुझे करना मुझे नहीं करना, तो ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। एनी अनदर क्वेश्चन? प्रभु जी, आपने बताया कि कृष्ण भक्ति से हमारा फॉल डाउन सिर्फ और सिर्फ पैशन ऑफ प्राचीन, कृष्ण भक्ति फॉल डाउन कभी हो सकता है सिर्फ पैशन ऑफ प्राचीन, बाकी सब कृष्ण माफ कर देते हैं, बट प्रभु जी क्या होते हैं कभी कभी हम लोग पैशन ऑफ प्राचीन डायरेक्टली तो नहीं करते, बट इनडायरेक्टली कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं करते इनडायरेक्टली कर देते हैं, इनडायरेक्ट अपराध भी अपराध ही है, इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट, when it comes to Vaishnava it is all direct, no indirect, to bhul ye bhul kabhi na karna, bhakti mein se chyut hone ka ek matra karan hai wo hai Vaishnava prad krishna magnanimous hai na, bahut dayalu hai, kripa sindhu bhi vacha e krishna karuna sindhu, karuna ke sagar hai krishna, माफ करेंगे, लेकिन वैष्णव माफ कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, और माफ नहीं हुआ आपकी भक्ति गई, कृष्ण गए, दुर्वासा और अमरीश महाराज है ना, कई उदाहरण है, ये नहीं एक उदाहरण नहीं, यस कई उदाहरण है, अनजाने में भी अननोइंगली भी अपराध कर दिया वैष्णव का, तो रूप गोस्वामी का आपको कथा पता है ना, रूप गोस्वामी ने मेंटली यू नो कुछ किया नहीं था, उनका कोई अपराध था ही नहीं, जस्ट मेडिटेशन कर रहे थे रूप गोस्वामी, और मेडिटेशन में राधा रानी के ऊपर हंस रहे रूप गोस्वामी, और पंगु ने अपराध ले लिया कि मुझे मैं पंगु हूँ इसलिए हंस रहे, तो ये सबको पता है ये वार्ता, तो ये है कि स्वप्न में भी वैष्णव अपराध ना हो, अगर हो तो आपको वैष्णव के पास जहाँ से काटा घुसे वहाँ जाना पड़ेगा, अर्थात जो वैष्णव का अपराध किया उन वैष्णव से माफी प्रसाद एंड प्रणाम करना ही पड़ेगा, तभी भक्ति वापस आपको मिल सकती है, अदरवाइज बहुत गंभीर बात हो जाएगी। और कोई सवाल बोलिए। सबसे सर्वोत्तम ऊंची सेवा है मन से, तो काम करती जाओ और मन से, जैसे जसोदा मई मैया दिवाली के दिन और गोवर्धन पूजा के दिन वो बटर चर्निंग कर रही थी, और कृष्ण का गान, कृष्ण का ध्यान, कृष्णमयी, तो आप मक्खन निकालती रहो और ध्यान करती रहो,
है ना, आपका मन और आपका ध्यान और ये सब तो कोई छीन नहीं सकता, है ना। और इनको कुछ काम, फिजिकल काम तो उनको नहीं करना है, बस यहाँ कृष्ण, बाकी का हाथ चलाओ, सब कुछ चलाओ, है ना। इसलिए हमारी संस्था का नाम क्या है? कृष्णा भावना। तो हमें कृष्ण भावना हर पल रखनी है, काम करते जाओ कृष्ण भावना रखते जाओ, सुनना बढ़ा दो, सुनना लेक्चर सुनो, इस्कॉन के साधुओं से सुनो, सुनना बढ़ा दो। आप कम से कम 3 घंटा सुन सकते हो, चाहो तो खाते समय, खाना बनाते समय, बर्तन झाड़ू पोछा करते समय, लॉन्ड्री करते समय, बाथरूम में स्नान, तो स्पीकर सुन सकते हो आप, गाड़ी चलाते समय सुनना चाहो। और सुनने से आपकी खूब जल्दी प्रगति होगी, खूब खूब जल्दी सुनो, और सब सुन सकते हैं अगर सुनना चाहे तो। ये समय खाली फिजूल का जाता है, आप झाड़ू लगाओ तो सुनो, आप खाना पकाते हो सुनो, कान तो पकाते नहीं खाना, झाड़ू नहीं लगाता, है ना, और कान बाथरूम में स्नान तो नहीं करता, सुन सकता है, ये तत् सुनो। सबसे बड़ा भक्ति का प्रयोग अगर करना है आप तो सुनो। इंटरनेट टीवी या ना इस्कॉन डिजायर ट्री हरे कृष्णा टीवी 24 घंटा चलता है, सुनो, सोते समय सुन, सुन सुनते सुनते सो जाओ, सुनते उठो। इस श्रवण भक्ति है, श्रवणम भक्ति, और बहुत ऊंची भक्ति है और सरलता से कर सकते हैं हम। सुनना बढ़ा दो। और कोई सवाल? भक्ति को लेके क्या? भक्ति करते करते क्या गुरु जी क्या हो जाते हैं? गुरु जी स्ट्रिक हो जाते हैं। नहीं, वैष्णव अपराध तो नहीं है और ना ही नाम अपराध है, आपकी इच्छा और आपका निश्चय इनफ नहीं है। निश्चय मुझे 16 माला हर रोज करनी ही है, निश्चय, उत्साह, सुबह उठ के करनी है, उत्साह, तो ये जरूरी है। भगवान का नाम चलते हुए, मैंने कहा खाना पकाते हुए नाम नहीं कर सकती आप? कर सकती हो, करती हो? नहीं। बुहारी लगाते हुए नाम नहीं कर सकती? कभी कभी हम सुबह नहीं उठते, हाँ अपराध तो हो गए। बच जाओ अपराध से, बच जाओ। और कोई सवाल? यस हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल ये है प्रभु, कि जैसे हम भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो प्रभु कभी कभी ऐसी नकारात्मक विचारधाराएं पैदा हो जाती है दिमाग में, तो ये अपराध है या दिमाग पर चलने के लिए बाधा है? तो हम यदि विचार है नकारात्मक आते हैं तो इसको हम कैसे दूर कर सकते? नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से दूर कर सकते हैं, तो
नहीं होता है तो धीरे 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 हो जाएगा। और प्रार्थना करते रहो भगवान से, कृष्ण से, वैष्णव से, गुरु से, सबको प्रार्थना करते रहो, नाम को, नाम प्रभु को प्रार्थना करते रहो, हो जाएगा। और अगर ना हो तो अंत में प्रभुपाद जी ने आखिरी बाण लगा दिया कि 16 माला करो आजीवन, 4 नियम का पालन करो, अगर कुछ भी कमी रह जाएगी तो मैं आपके लिए वैकुंठ के पिछले दरवाजे खड़ा रहूँगा और उद्धार कर दूँगा, पिछले दरवाजे आ जाना, 16 माला डे, और आगे वाले दरवाजे से एंट्री करनी है तो उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती 64 माला, 64 माला में अगले दरवाजे की चाबी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पर, और पिछले दरवाजे के प्रभुपाद के पास, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, गारंटी, धीरज, उत्साह, निश्चय, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगति आघात सतो वृत्ते सड़वीर भक्ति प्रसिद्धति, हो जाएगा। फायर में पड़े रहो तो फायर ही रहोगे, है ना? जैसे लोहा फायर में जब तक रहता है तो फायर बन के रहता है, फायर ही है। जैसे लोहे से लोहा बाहर निकल गया, फायर से डिसकनेक्ट हो गया, तो बुझ जाएगा फायर लोहे में से। तो हम भक्ति में पड़े रहें, भक्ति करते रहें तो फायर में हो जाएगा, हम फायर बन जाएंगे, हम कामयाबी हमें मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। जोरी में बैठे रहो प्रभुपाद की। और कोई सवाल? यस सबके नाम में मेरा रिक्वेस्ट था कि आपका जो प्रभुपाद जी के साथ अगर कोई एक्सचेंज हुआ हो तो अगर आप कोई मास्टर टाइम में आप शेयर करना चाहें। ठीक है, इनको सवाल है तो दे दो पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि अभी दुनिया भर में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। दुनिया भर में क्या हो रहा है? बहुत सारे गलत काम, गलत काम हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, और हम जानते हैं कि जो भी होता है वो कृष्ण जी की वजह से होता है, उनके अकॉर्डिंग होता है, उनके रिस्पेक्ट, उनके जो फेस होती है वही होता है, तो ये ऐसा क्यों होना प्रभु जी? देखो, कृष्ण की मर्जी और हमारी मर्जी, मतलब कि समाज जो भी गलत काम हो रहे हैं तो उनको करने वाला कोई एक तो होगा ही, और उनको फॉलोअर्स गलत काम करते होंगे। तो श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि गलत काम हो, ठीक है ना? हम चाहते हैं, इसलिए हो रहा है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम उसमें टांग अड़ाते हैं और गलत काम करवाते हैं, करते हैं। जैसे कि एक गाय हो, उनको चारा चरने के लिए एक पेड़ से आपने बांध दी, तो जितना रस्सी लंबी होगी इतना वो कर सकती है, चारा चर सकती है ना? उससे ज़्यादा नहीं चर सकती। तो ये जो एरिया है जहाँ बांधी है वो हम लोग हैं, और कृष्णा उससे जो आजू बाजू जो होता है वास्ट, सारी दुनिया पड़ी है, तो ये कृष्ण की मर्जी है। तो हमें एक गलत कार्य जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं, जैसे वृंदावन दिव्य है, लेकिन वृंदावन को गंदा कौन करते हैं? भगवान तो करते नहीं हैं,
भगवान ने तो दिव्यता रखी है, भक्ति रखी है, भक्त लोग वहाँ मौज भी कर रहे हैं भक्ति में, लेकिन हम जाके गंदा करते हैं, है ना। तो ऐसे ये जगत में चल रहा है, भगवान नहीं चाहते कि गंदा काम हो, लेकिन हम गंदे इरादे हमारे हैं, इसलिए हम गंदा काम कर रहे हैं। तो भगवान देखते हैं और आखिरी में वो करेक्ट तो हो ही जाता है, क्योंकि गंदा गंदा तब तक रहेगा जब हम गंदा करते रहेंगे, एक समय आएगा कि हम थक जाएंगे। आई होप आई एम आंसरिंग यू, इफ इट इज नॉट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। स्वतंत्रता भी है, हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है हमें, तो उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चन? यस प्रभु जी, छोटी छोटी प्रणाम, एक सामान्य प्रश्न था, जो भक्ति है उसका कोई समय होता है कि इस उम्र से हमें भक्ति करनी चाहिए? जैसे हम अगर घर वालों की बात करें, परिवार वालों की बात करें या मित्रों की बात करें, तो वो जनरली यही कहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, आप कॉलेज पास आउट हो जाओ, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, नाती पोते हो जाए, उसके बाद फिर भक्ति करनी है कि आप सब चीज से फ्री हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो ये कितना सत्य है और कितना असत्य है? और जैसे अगर मेरे कोई मित्र हैं तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि भक्ति अभी से ही अच्छी है, जितनी पहले हो जाए उतनी ही अच्छी है? तो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। देखो, भक्ति अप्रतिहता है, अप्रतिहता तेल धारावत चलती है भक्ति। प्रहलाद की भक्ति गर्भ में होती रहती थी, है ना। तो भक्ति हमारे साथ सनातन काल तक जुड़ी हुई है, कभी हम भूल जाते हैं, कभी हम कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जीव भक्ति मीन्स कृष्ण की सेवा। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, नित्य भक्ति। तो भक्ति जीव के साथ नित्य है, है ना। लेकिन हम उनको प्रतिहता तोड़ देते, कभी करते कभी नहीं करते, ठीक है ना। तो माँ बाप तो चाहते हैं, क्यों? कि माँ बाप स्वार्थी है। उनका स्वार्थ है क्या है कि, और स्वार्थी ना भी हो तो उनकी गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? कि अगर ये कमाएगा नहीं तो रोटी मिलेगी नहीं, उनकी शादी होगी नहीं तो बच्चे होंगे नहीं तो बला, उनका ये डिज़ायर है। लेकिन ये तो सारे माया जाल हैं, उनमें फंस जाते, वो फंस गए और बच्चों को फंसाना चाहते हैं, और वो बच्चे पड़े हो गए फिर उनके बच्चों को फंसाना चाहते हैं, है ना। तो हाँ बस, तो उनको और कोई बुद्धि नहीं है, लोगों को बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो है कि हम पंछी बनूं, उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, है ना। ये बुद्धि है। तो शादी करने पर भी हम पंछी बनूं, उड़ते फिरूं। हमारी शादी हो चुकी है, कितने साल हो गए? 52 साल, 55 साल, आई डोंट नो कितनी हुई है, 52। लेकिन हम पंछी रहे और उड़ते फिरते हैं, यहाँ भी आ गए हैं और मौज कर रहे हैं। आप कमाओ, पकाओ और हम खाएं, है ना, कितना सुंदर जीवन। तो माँ बाप नहीं चाहते कि आप इतना सुंदर जीवन जियो, माँ बाप चाहते हैं कि हमारा जीवन दुखीमय गया, बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ, पुरुषों के साथ, देश के साथ, आप भी दुखी हो, ये बच्चे ये चाहते हैं माँ बाप। स्टीरियोटाइप लाइफ, यू नो, पढ़ो, प्रेशर, बाद में शादी। 30 साल का हो गया, 30 साल की हो गई, नहीं, शादी कर,
शादी 30 साल 32 साल हो गई, बच्चे कर 35 साल हो गई और बच्चे हो गए तो बर्बादी है ना। उनको स्कूल में भेजो उनके लिए। आजकल तो स्कूल भी बहुत महंगी है इंडिया में, तो बाहर के देशों में फ्री होता है, यहाँ स्कूलों में कितना धन तो कमाना पड़ेगा। और बाद में उनको डॉक्टर बनाओ, लॉयर बनाओ, इंजीनियर बनाओ और बाद में उनको शादी कर स्टीरियोटाइप बस यू नो दे आर प्रोग्राम्ड यू नो दिस प्रोग्राम इज गलत प्रोग्राम हो गया। प्रोग्रामिंग इज गलत, तो हमें ये नहीं चाहिए। मैं अगर भगत बन जाता शादी से पहले तो शादी नहीं करता। जंजाल है आजा फंसा जा है ना, फंसा जा। बुद्धि लगानी चाहिए ना। यस, हाउ टू मेक ब्रेड, खाना बनाना और लॉन्ड्री करना, ये दो चीज आती है तो शादी करने की जरूरत नहीं है। आती है ना, शादी मत करो। और लड़कियों को हम बोलते हैं शादी करो 30 साल की हो गई शादी कर, तो वो भी सही है, लड़कियों को शादी करना कंपलसरी है, लेकिन हमें पर कंपलसरी नहीं। हम सन्यासी ब्रह्मचारी बन सकते हैं, कृष्ण ने इतनी छूट रखी है। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, यस यस। अरे मृत्यु ना भी आवे तो फिर चक्कर में हम फंस जाएंगे कि कितना बड़ा चक्कर, इन्हों शादी की, बच्चे हुए, इन्हों बड़ा हुआ, इन्हों झमेला, झमेले में फंस जाओ बहुत इन्हों। तो आप बुद्धि मानो, आ जाओ कल मंदिर में। नहीं, भक्ति सनातन काल तक सनातन जीव को करनी ही चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, नित्य दास, दास मीन्स भक्ति, दास सेवा करता है तो नित्य सेवा, नित्य सेवा। तो हमें भक्ति, हम जहाँ भी ये मृत्यु हो जाए भक्ति साथ में जाएगी, और जहाँ रुकी वहाँ से शुरू करेंगे। सनातन है भक्ति, और हमें सनातन भक्ति करनी चाहिए। हमारा धर्म भी सनातन है, सनातन धर्म का अर्थ है सनातन भक्ति। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का धर्म है श्री कृष्ण की नित्य से भक्ति करना, तो ये सनातन भक्ति सनातन धर्म है। प्रभुपाद फिर टेम्पल रूम में गए और गोनिताई का दर्शन किया, फिर राधा गोपीनाथ का किया, फिर जगन्नाथ का किया, फिर चरणामृत लिया, फिर व्यासासन पे आके बैठे। लेकिन प्रभुपाद पे बहुत सारे हार थे, प्रभुपाद हार उतारने लगे, तो मैंने प्रार्थना की प्रभुपाद को कि अभी तो आपने मेरा हार पहना और आप उतार रहे हो, ऐसा मेरे दिमाग में आया। तो प्रभुपाद ने हार उतारे और मेरा हार वापस रखा। तो गुरु हमारी मन की बात भी सुनते हैं, क्योंकि मैंने प्रभुपाद से कभी बात नहीं की, लेकिन जब भी मैंने कोई इच्छा की तो प्रभुपाद ने वो आइदर स्वप्न में या ऐसे पूरी की। तो गुरु के साथ हमें हम सोचना चाहिए कि हमेशा हमारे साथ है। फिर हमें किसी लोगों ने बुलाया था अपने घर, तो महाराज भी गए थे। उससे पहले वो हरिनाम में गए थे प्रभुपाद के साथ, नहीं हरिनाम में नहीं, मॉर्निंग वॉक में। तो महाराज ने क्वेश्चन पूछा था,
कि प्रभुपाद मेरे गौड़िया वैष्णव गुरु है, तो क्या मुझे गुरु चेंज करना चाहिए? तो प्रभुपाद चल रहे थे तो एकदम रुक गए और स्टिक कैसे किया, हु इज योर गुरु? तो महाराज ने नाम दिया, तो बोलते कहाँ रहते हैं? तो महाराज ने कहा कि वृंदावन। तो प्रभुपाद ने बोला आई नो हिम, वो वुमन सर्वेंट रखते हैं, ऐसे बोले। तो फिर महाराज ने ज़्यादा नहीं बोला, सोचा कि शायद प्रभुपाद मेरे गुरु को एक अपराध करें, आई मीन बोलेंगे कुछ उनके बारे में। लेकिन इनडायरेक्टली प्रभुपाद ने कहा कि लेनी चाहिए प्रॉपर इस्कॉन से। तो उसके बाद हम किसी के घर गए, तो ऐसे प्रभुपाद बैठे हुए थे और रूम बहुत छोटी थी, लिविंग रूम। तो प्रभुपाद ऐसे करने लगे कि हु केम आफ्टर 75, आफ्टर आई केम हु केम? तो सबने इनका नाम लिया क्योंकि हम ज़्यादा जाते थे टेम्पल। तो फिर प्रभुपाद देखने लगे कि कौन है, तो लोगों ने रास्ता दिया, ये बाहर थे क्योंकि जगह नहीं मिली थी। तो फिर अंदर आके प्रभुपाद के पास बैठे, तो फिर प्रभुपाद ने पूछा कि वाई पीपल आर नॉट जॉइनिंग? तो सबने डिफरेंट डिफरेंट आंसर कहा। तो महाराज ने कहा कि बिकॉज दे आर मायावादी प्रभुपाद, दैट्स वाई दे आर नॉट जॉइनिंग। देन प्रभुपाद लाफ लाइक दिस, बिकॉज प्रभुपाद यूज दैट वर्ड मायावादी। तो फिर प्रभुपाद ने जोक किया उनके साथ कि यू आर पर्सनलिस्ट, यू आर पर्सनलिस्ट। तो प्रभुपाद इज वेरी मर्सीफुल। एंड देन प्रभुपाद गेव इंस्ट्रक्शन दैट इन टोरंटो देयर इज 70,000 इंडियंस। सो महाराज को और दूसरा एक डिवोटी को बोला कि यू हैव टू मेक दम कृष्णा कॉन्शियस। प्रभुपाद ने पूछा था उनको कि हाउ मच यू डूइंग फॉर योर बॉडी एंड हाउ मच यू डूइंग फॉर योर सोल। तो महाराज ने सोचा मैं तो सोल के लिए तो इतना कुछ करता नहीं। फिर प्रभुपाद ने पूछा कि व्हाट यू डूइंग फॉर लिविंग। सो महाराज ने बोला कि मैं इंजीनियर हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला कि इंजीनियर एंड डॉक्टर तो बहुत है, आप प्रचारक बनो। तो दूसरे दिन महाराज ने छोड़ दिया जॉब, फिर प्रचार करने लगे। तो ही डिडन इवन आस्क मी दैट आई एम लीविंग द जॉब, जॉब वॉज वेरी वेरी हाईली पेड। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने बोला प्रभुपाद की इच्छा है तो प्रभुपाद देखेंगे, डोंट वरी। तो फिर वो इस्कॉन मंदिर में सेवा करने लगे। तो जब प्रभुपाद 75 में आए थे तो प्रभुपाद बाहर घूमने गए थे। तो वो टाइम बिकॉज 75 में टेम्पल बहुत छोटा था, घर में था। तो ये चर्च देखा था प्रभुपाद ने कि अगर ये चर्च सेल में आए तो आप ले लेना। तो प्रभुपाद जाने के बाद थोड़े दिन में चर्च सेल में आया। तो जो प्रेसिडेंट था वो चर्च बाय करने गया क्रिश्चियन के पास। तो वो क्रिश्चियनों ने बोला, प्रिस्ट ने बोला कि हम ये जला देंगे लेकिन इस्कॉन वालों को नहीं देंगे, आप लोगों को नहीं देंगे। तो फिर उसको बहुत दुख हुआ कि प्रभुपाद की इच्छा थी। तो उसने क्या किया, विग पहन लिया और फिर लेने गया तो मिल गया। फिर टेम्पल मिल गया। तो जब प्रभुपाद आए 76 में तो उनकी जो इच्छा थी वो चर्च था, उसमें महाराज ने ऑल्टर भी बनाया था, इंजीनियर थे। तो वो टाइम डोनेशन जब 76 में लेना था उससे पहले डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे। तो इनके पास भी आए डिवोटी कि हाउ मच यू कैन गिव। तो उन्होंने ब्लैंक चेक दे दिया कि आपको जो भरना है भर लो। तो ऐसे प्रभुपाद इज वेरी मर्सीफुल। सो टेम्पल वॉज 76 में मिल गया था। तो हमें दीक्षा भी 77 में मिली। प्रभुपाद 76 में देने वाले थे लेकिन प्रभु जी की मम्मी वहाँ थी तो वो कहने लगी कि दो फादर नहीं हो सकते, एक फादर, क्योंकि गोड़िया वैष्णव थे ना लोग, इसलिए लेने नहीं दी। लेकिन फिर 77 में मिली हमें। हम प्रभुपाद को प्रार्थना करते थे कि प्लीज़ बोट में बिठा दो। तो सितंबर 16 को हमें मिली थी और प्रभुपाद लेफ्ट 9 नवंबर 14। सो दो महीने पहले हमें बोट में बिठाया। जब प्रभुपाद थे 76 में तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रभुपाद को हमें देना था, लेकिन लाइफ हमारा फॉर्चून नहीं था कि हाथों हाथ हम दीक्षा लें। तो फिर लेटर से दीक्षा मिली थी। प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा प्रभुपाद को कि ये 16 डिवोटीज है, उनको मैं बहुत अच्छे डिवोटी है तो उनको दीक्षा प्लीज़ दो। तो फिर प्रभुपाद ने नाम और माला भेजी और हमें दीक्षा राधाअष्टमी के दिन मिली।
हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जब सिख थे तो प्रभुपाद ने बोला कि जो भी मुझे मिलना चाहे वो आ सकते हैं, एसोसिएशन करना चाहे। तो मेरी एक फ्रेंड जा रही थी तो मैंने महाराज को बोला मैं भी जाऊँ, तो बोलते हम साथ में जाएंगे, हमें नहीं पता था कि प्रभुपाद चले जाएंगे। तो एक दिन मुझे दुख हो रहा था कि प्रभुपाद आपने इंस्ट्रक्शन दिए लेकिन हम आए नहीं। तो प्रभुपाद मेरे स्वप्न में आए और वो पेनाकुलिन में दर्शन कर रहे थे। तो मैं सोचा पता नहीं ऐसा स्वप्न क्यों आया। तो मैं मंदिर गई तो एक डिवोटी को पूछा कि मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया, तो वो बोलती है कि प्रभुपाद एक्चुअली पेनाकुलिन में ही जाते हैं, चल के नहीं जाते। तो गुरु इज़ वेरी मर्सीफुल, प्रेयर्स करने से स्वप्न में भी आके हमें एसोसिएशन देते हैं। हरे कृष्ण।